हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन, देयर ऑनसेट, पीक एंड ड्यूरेशन। तो मेनली इसकी फोर टाइप्स होती हैं इंसुलिन जो यूज़ करते हैं हम डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो इसकी फोर टाइप्स हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो सबसे पहले देखते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो इसमें आ जाती है, तीन टाइप्स हैं इसकी, सब टाइप्स हैं, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलाइसिन। तो इंसुलिन लिस्प्रो जो है, इसका ऑनसेट या इफ़ेक्ट होना शुरू होता है इसका 15 से 30 मिनट के बीच में, और इसकी पीक इफ़ेक्ट होता है या मैक्सिमम इफ़ेक्ट जब दो देखने को मिलता है वो होता है आधे घंटे से लेके ढाई घंटे के बीच में। और इसकी ड्यूरेशन मतलब इसका इफ़ेक्ट जो है, जो इसका असर रहता है वो रहता है 3 से 6 घंटे के लिए। ड्यूरेशन इसकी होती है 3 से 6 घंटे। सेकंड, इंसुलिन एस्पार्ट, इसका ऑनसेट या इसका इफ़ेक्ट शुरू होता है 10 से 20 मिनट में इसका इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, और इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो देखने को मिलता है वो 1 से 3 घंटे के बीच में, और इसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होती है इफ़ेक्ट की या असर इसका रहता है 3 से 5 घंटे तक। थर्ड टाइप, सब टाइप है इंसुलिन ग्लूलाइसिन, इसका ऑनसेट होना शुरू हो जाता है 10 से 15 मिनट में, पीक ड्यूरेशन मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो इसका रहता है वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में हो जाता है इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट, और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन रहती है 3 से 5 घंटे तक। सेकेंड टाइप है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में आ जाती है इसकी सब टाइप है रेगुलर इंसुलिन, इसका इफ़ेक्ट जो है शुरू होता है 30 से 60 मिनट में, मतलब कि आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में इसका इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। पीक इसकी ड्यूरेशन या पीक इफ़ेक्ट रहता है 1 से 5 घंटे तक, और ड्यूरेशन इसकी रहती है 6 से 10 घंटे तक इसका असर रहता है। नेक्स्ट, थर्ड है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसके अंडर आ जाती है NPH इंसुलिन, इसका जो ऑनसेट रहता है इफ़ेक्ट का वो रहता है 1 से 2 घंटे, पीक इफ़ेक्ट इसका होता है, मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है 6 से 14 घंटे के बीच में, और इसकी ड्यूरेशन मतलब इसका जो असर रहता है इस इंसुलिन का वो रहता है 16 से 24 घंटे तक। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में दो सब टाइप्स हैं, फर्स्ट है इंसुलिन ग्लियरगिन, तो इसका असर शुरू हो जाता है 70 मिनट में, और पीक इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं होता, और इसका जो ड्यूरेशन रहती है, असर रहता है वो 18 से 24 घंटे तक इसका असर रहता है। और सेकंड सब टाइप है लॉन्ग एक्टिंग में इंसुलिन डेटिमिर, और इसका जो ऑनसेट रहता है वो शुरू होता है, इफ़ेक्ट शुरू होता है वो है 1 से 2 घंटे, पीक इफ़ेक्ट इसका होता है 12 से 24 घंटे के बीच में, और इसका जो ड्यूरेशन रहती है, असर रहता है वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग जो जल्दी असर करती हैं, बहुत जल्दी मतलब इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि उसके बाद रैपिड के बाद शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़ी देर के लिए, रैपिड से कम मतलब इसका टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है इसकी होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और लास्ट है लॉन्ग एक्टिंग जिसकी ड्यूरेशन जो है काफ़ी लंबे समय तक रहती है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।